चीन की ओर से भारत के 20 से अधिक सैनिकों को मार गिराने के बाद भारत के लोग लगातार चीन के कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और लोग चीन सामान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सुंदरनगर के नवगठित सुकेत व्यापार मंडल की ओर से चीनी सामान का दहन कर शहीदों की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान सुकेत व्यापार मंडल के संयोजक सुरेश कौशल और वरिष्ठ सलाहकार वीरेंद्र सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए व्यापारियों ने जमकर चीन विरोधी नारेबाजी की और शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कैंडल मार्च के दौरान NH21 चंडीगढ़ मोहाली से गुजर रही सेना की गाड़ियों में बैठे हुए व्यापारियों ने प्रण लिया कि वे अब चीनी सामान का व्यापार नहीं करेंगे। कोविड-19 के चलते ये बीमारी इंडिया में नहीं पूरे विश्व में एक रूप धारण कर लिया है। इसने उसके साथ साथ चाइना ने इस वैश्विक महामारी के चलते हुए जो भारत की सीमा पे हमारे जवानों के साथ किया है उसका सुकेत व्यापार मंडल आज कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और हम सभी व्यापारी भाइयों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिसके पास भी चाइना से कोई सामान आया हुआ है या चाइना का सामान वो रखते हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि इस सामान को बेचने के बाद दूसरी बार जो है चाइना का सामान ना मंगाएं, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि एशिया में उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ से जब पैसा एकत्रित होकर के जाता है तो वो बॉर्डर पे हमारे जो फौजी भाई हैं उनके ऊपर वो अटैक करने के लिए उसको खर्च करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं सुंदरनगर सुकेत व्यापार मंडल की तरफ से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इसके ऊपर जो भी निर्णय लेंगे पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। हिंदुस्तान की इस कड़ी में सुकेत व्यापार मंडल भी आपके साथ खड़ा है। आप जो भी फैसला लेंगे उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। चीन की ओर से भारतीय सैनिकों के साथ की गई साथ ही चाइनीज सामान को लेकर क्या घोषणा होती है उस पर नजर है। कोरोना की लड़ाई के साथ अपने बातचीत से पूरा देश चीन के खिलाफ भारत सरकार के साथ खड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री देश की जनता से चाइनीज सामान को लेकर कोई अपील करते हैं या नहीं। आप नई दिल्ली संवाददाता से।